नमो सीताड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साऊड़म पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारी ऊंचाइयां हमारे हाथ में हैं और हमारे जीवन की नीचाइयां भी हमारे ही हाथ में हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको ऊंचा उठा सके या नीचा गिरा सके। जो कुछ है तो आपके ही हाथ में है। अगर नींव मजबूत है तो महल ऊंचा तन जाएगा, और नींव मजबूत नहीं है तो कितना ही बड़ा महल बना लिया जाए ढह जाएगा। अभी पिछले दिनों बूंदी में देख कर क्या है, क्या विशाल महल, किलोमीटरों दूर से दिखता वो महल, इतना बड़ा महल तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन विशेष बात यह कि वो महल आज तक ढहा नहीं। कई दशक निकल गए, कई शतक निकल गए, लेकिन वो महल ज्योंका त्यों है, क्योंकि वो नींव मजबूती के साथ रखा गया है। आपकी भी जीवन की ऊंचाइयों के दो कारण हैं और नीचाइयों के भी दो कारण हैं। जो लोग ऊंचाइयां छू रहे हैं उनके साथ उनकी मेहनत और उनकी किस्मत है, और जो लोग नीचाइयां छू रहे हैं उनके साथ उनका अभिमान और जल्दबाजी का निर्णय है। अगर ऊंचाइयां छूना है तो मेहनत और किस्मत पर गौर करें, और जितने लोग नीचाइयों की ओर जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पास उनका अभिमान और उनके जल्दबाजी के निर्णय है। तो करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको समझना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना है और अभिमान नहीं करना है, मेहनत करना है और किस्मत को बनाना है। इन चार फेसेस में काम करना है। जरूरी नहीं है कि चीजें जल्दी मिलेंगी, जरूरी नहीं है कि चीजें लेट मिलेंगी, मिलेंगी वो अपने ही समय पर। कुछ फसलें ऐसी होती जो 6 महीने में आती हैं, कुछ ऐसी भी होती जो 2 महीने में आ जाती है, कुछ ऐसी भी होती जो 5-5 साल लगाती है। डिपेंड्स ऑन योर वर्क। तो आज की नीति को समझते हैं। आज की नीति कह रही है कि आपकी ऊंचाइयों के कारण सिर्फ दो हैं, वो है आपकी मेहनत और आपकी किस्मत। जितनी आपने बड़ी मेहनत की है उतनी बड़ी आपकी सफलता मिलेगी, लेकिन जितनी बड़ी किस्मत होगी, किस्मत आपको और ऊंचाइयां देगी। किसी एक व्यक्ति ने पानी हाथ पर लेकर के यूं फेंक दिया तो ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, लेकिन वही पानी अगर नल के थ्रू आया है और अपने पाइप में यूं उंगली दबा करके उचकाया है तो वो छत तक भी जा सकता है। तो पानी जो निकल रहा है वो तो किस्मत है, वो तो मेहनत है। जो पानी आके जा रहा है आप फेंक रहे हो, वो आपकी मेहनत है। वो जो प्रेशर है वो किस्मत देती है। तो दोनों को बैलेंस बना के चलना है, एक मेहनत को भी और किस्मत को। लेकिन अगर आपके लिए नीचाइयां मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान और जल्दबाजी के निर्णय, जल्दबाजी के निर्णय। मेरा मानना है कि बहुत लोगों को मैंने ऊंचा उठता देखा है और देख भी रहा हूं, लेकिन ऊंचा उठना अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन ऊंचाइयों का अभिमान कर लेना बहुत बुरा है। आज आप एक बड़े स्टेज पर हो, प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप लोगों की चॉइस है, लेकिन आप किसी को ऑप्शन नहीं बना सकते। आप अपनी ऊंचाइयों के अभिमान में किसी को नीचा गिराने का अधिकार आपको नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि रावण की मृत्यु क्यों हुई? सीता हरण से नहीं मरा रावण, अपने अभिमान से मरा है रावण। सीता हरण से मरता तो फिर उसी दिन मर जाता, कहीं ना कहीं उसका अभिमान लेके डूबा। सीता को तो उसने छुआ भी नहीं, और छू भी कैसे पाता। लेकिन देखो, रावण अपने अभिमान से मरा है और जल्दबाजी का निर्णय लिया उसने,
सिर्फ इतना सा कर लिया उसने कि उसने जल्दबाजी का निर्णय ले लिया और रावण का अंत हो गया। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति शिकारी जंगल में घूम रहा था और उसने कुछ अजीबोगरीब दृश्य देखा। कथा को कथा भी समझना और किसी की व्यथा भी समझना। उसने देखा कि दो तीन जगह सोने की डिगली पड़ी हुई है। तो सोचता है कि जंगल में सोने की डिगली कौन करेगा, कहां से आएगी। वो रुक करके देखता है कि हो सकता है किसी की गिर गई हो। फिर उसने देखा कि डाल पर पक्षी बैठा था और पक्षी ने जो मल गिराया, मल नीचे गिरने के एक मिनट कुछ समय के बाद वो मल पक्षी का सोना बन जाता था। उसको तो आश्चर्य लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पक्षी का मल गिरे और सोना हो जाए। उसने और देखा, उसको मालूम चल गया कि बात तो सही है, पक्षी का घोंसला यही है। उसने नीचे जाल बिछाया, पक्षी देख रहा था कि जाल बिछा रहा है और अपनी मूर्खता के वश पक्षी उसके बंधन में आ गया। वो पक्षी को अपने घर ले गया और उसने रोज की तरह उसकी बीट इकट्ठी करना चालू करी जो सोना बन जाती थी। एक दिन उसके दिमाग में आया कि कहीं राजा को मालूम चल गया तो, राजा कहीं दंड ना दे दे तो। पक्षी राजा को भेंट करने गया। पक्षी राजा को जब वो भेंट करने गया तो उसने कहा, राजन ये पक्षी हमारे तरफ से आपको भेंट है। बोले क्या खासियत है। बोले ये जब भी बीट करता है तो सोना बन जाती है। जो मंत्री थे उन्होंने बोला, राजन ऐसा कभी होता है, आज तक ना किसी ने सुना है ना देखा है कि चिड़िया की पक्षी, चिड़िया जो है वो पक्षी जो है बीट करे और वो सोना बन जाए। ये झूठ बोल रहा है राजन, इस चिड़िया को उड़ा दो। भाई राजा ने मंत्री की मान ली और जैसे ही उसका पिंजरा खोला पक्षी फुर्र करके उड़ा, लेकिन उड़ते समय उसने बीट कर दी थी और राजा के सामने वो बीट सोने की हो गई। अब राजा सोचता है गलती हो गई। वो जो चिड़िया थी वो उन सबको समझाती है कि गलती एक से नहीं सबसे हुई। जल्दबाजी में निर्णय सबने लिया है, अकेले तुमने नहीं लिया, मैंने भी लिया है। मुझे पता था कि ये जो जाल है मेरे लिए बिछा है, लेकिन मैं मूर्ख थी जो फंस गई। पहली गलती मेरी, जल्दबाजी का निर्णय। दूसरा, जल्दबाजी का निर्णय पागल किसान ने, शिकारी ने लिया। क्यों? जब तुझे पता था कि सोने की बीट वाली चिड़िया है तो तूने राजा को क्यों दिया। और तीसरी गलती राजन तुमने करी, जल्दबाजी में निर्णय लेकर के एक बार देख तो लेते बीट करके करवा के कि सोने की हो रही कि नहीं, फिर उड़ा देते। बोले तीनों की गलती थी, अब तीनों आजाद हैं। ये कथा आप अपने ऊपर लगाना, ये कथा नहीं आप लोगों की व्यथा है। जब भी आप जल्दबाजी में निर्णय लोगे तो उस पक्षी की तरह, उस राजा की तरह, उस शिकारी की तरह पछताओगे कि जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। कई बार छोटे छोटे लाभ के चक्कर में व्यक्ति जिंदगी की खुशियां खो बैठता है। छोटे छोटे लाभों में वो जिंदगी की खुशियां खो बैठता है। उसको लगता है कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कुछ अच्छा होगा। किसी को देख करके, किसी को सुन करके, रावण ने भी यही किया था। सीता को देख करके जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, बैठ के बात कर लेता आर यू रेडी और नॉट, पूछ लेता भाई तुम तैयार हो कि नहीं, ये तो छोड़ देता, दूसरी देख लेता। तो उसने जल्दबाजी में उठा लिया। अब देखो, अब रो। तो अपनी लाइफ के निर्णय बड़ा सोच समझ के जल्दबाजी में ना लें, धीरे से लें। और अगर आपने निर्णय बहुत शांतिपूर्वक लिया है, सच मानना ऊंचाइयां जरूर मिलेंगी। लेकिन इतना लेट भी मत कर देना कि कहीं तवा गरम ज्यादा हो जाए और रोटी जल जाए। ये बात अगर आपके हृदय तक पहुंचती है तो ऊंचाइयां मिलेंगी, निचाइयां कभी नहीं मिलेंगी। दो पर, चार चीजों पर काम करना है, दो छोड़ना है, दो जोड़ना है। एक कड़ी मेहनत और
किस्मत, इन दो को जोड़ना है और दो को छोड़ना है। जल्दबाजी का निर्णय और अभिमान, हजारों राजाओं ने हजारों महल बनाए, बहुत ऊंचाइयां छुई, लेकिन अभिमान किस बात का करा जाए। बचा किसी के पास कुछ भी नहीं, किसी के पास कुछ नहीं बचा। जितने लोग बड़े लोग हैं आप सर्च कर लीजिए, किसी के पास कुछ नहीं बचा, खोज लो। बड़े बड़े साधुओं की समाधि हो गई, बड़े बड़े अरबपति खरबपति व्यापारी रोड पर आ गए या चले गए, और जो राजा महाराजा थे उनकी छत्रियां बन गई। तो बचा क्या है जगत में? कोई ना परमानेंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, और लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट। जब कुछ है ही नहीं परमानेंट तो दुखी क्यों हो? ऊंचाइयां तो छुए लेकिन ऊंचाइयों का अभिमान क्यों करें? जैसे ही आपने अभिमान किया, गए लूडो खेला होगा बचपन में आपने, अथवा वो इमली के बीजों को टुकड़े कर करके अट्टू खेलते थे, कई अलग अलग जो जो नाम हो वो, माँ से एक पाटा ले लेते थे, उसमें बना लेते थे, घर के चौगान में बना लेते थे, रोड के किनारे बना लेते थे, उससे खेलते थे। और जैसे ही तीन चार गोटियाँ आपकी, दो गोटियाँ अंदर गई, अभिमान आता था किसकी एक भी नहीं गई, और फिर देखो तुम्हारी गोटियाँ बैक होती थी और वो पहले जीत जाता था। अभिमान जो है वो एक बहुत बड़ा आपके लिए लंगर है, लंगर एंकर समझते हैं आप, लंगर वो जो बड़ी बड़ी शिप्स में होता है, लंगर वो क्या होता है कि जब जमीन में छोड़ा जाता है तो समुद्र की मिट्टी को पकड़ लेता है, फिर तूफान में जहाज हिलता नहीं। लेकिन ये जो लंगर है आपके अभिमान का, लंगर जीवन में ना हो क्योंकि आपकी ऊंचाइयों को रोक देगा। जब कोई आपकी तारीफ करे सुन करके मुंडी नीचे कर लेना, अपनी तारीफ में दो तारीफें और मत जोड़ना। लोगों को, लोग अगर आपके बारे में पूछना जानना चाहते तो बताना जरूर, लेकिन उनके बिना पूछे कभी उचक उचक के नहीं बताना। ये अभिमान है और ये अभिमान ले डूबेगा। आप सोच रहे होंगे कि मेहनत और किस्मत के बारे में क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अभी अगर आपने अभिमान और जल्दबाजी का निर्णय, इन दो चीजों को समझ लिया तो आधी तो जीत हो ही गई, आधी तो जीत हो गई। लोगों ने मुझसे भी कहा कि कुछ निर्णय आपने जीवन के जल्दी ले लिए, मैंने कहा जल्दी लिए, जल्दबाजी में नहीं लिए। निर्णय जल्दी लेना और जल्दबाजी में लेना अंतर है। खिलाड़ी रनआउट क्यों होता है? वो जो खिलाड़ी एक बॉल में तीन रन दौड़ रहा है उसने जल्दी निर्णय लिए इसलिए तीन रन दौड़ रहा है, वो जो रनआउट हुआ है उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया। आप अपनी लाइफ में चाहे स्टडीज करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, रनआउट तब होते जब जल्दबाजी में निर्णय लिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, ऊंचाइयां नीचाइयां बदल जाएंगे। राम के आगे हर कोई श्री लगाता है, रावण के पीछे भी जी नहीं लगाता है, जबकि पार्ले जी, पबजी, सब जगह जी मिलता है, रावण के आगे जी नहीं लग पाता। क्यों ही लग पाता? उसने अपने अभिमान और जल्दबाजी के निर्णय से खुद को ले डूबा। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेरा आप सबसे एक बात कहना है जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं या आपके साथ का व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है तो सतर्क रहें, सतर्क रखें, स्वयं को भी समझाएं और उसको भी समझाएं कि अभिमान नहीं करना और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। जल्दी तो निर्णय लेना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। हार्ड वर्क आप समझते हो क्या होता है? 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में 48 घंटे का काम करना यह हार्ड वर्क है। इतना हार्ड वर्क करना चाहिए आपको, तब जाके आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। वैसे मेरा मानना है कि जो जितना परसेंटेज डेडिकेशन देता है अपने वर्क को, उसको उतना ही कंपनी या किस्मत उसको उतना ही रिटर्न देती है। आप लोग सोचते हो कि चीजें सरल हो जाएं, तो सरल तो हो जाएंगे लेकिन वर्क हार्ड नहीं होगा। पहले के किसान बुजुर्ग गांव में रहते थे, हर दिन 2-5-10 किलोमीटर घूमते थे। अब आज का युवा
अगर वो मंदिर भी जा रहा है तो गाड़ी चाहिए, अगर ऑफिस भी जा रहा है तो उसको गाड़ी चाहिए, वो खिसकेगा नहीं सीट से, कहीं खिसकेगा नहीं, उसको चीजें हाथ पर चाहिए। रिमोट आ गया है, रिमोट से एसी ऑफ एसी ऑन, हे एलेक्सा, ये सब आपके हार्ड वर्क को लूज कर रही हैं। हार्ड वर्क अगर किस्मत रूठ जाए तो मनाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है कड़ी मेहनत। सोच से ज्यादा काम करो, सोच से ज्यादा, और सोच से ज्यादा काम करोगे तो ही जीत पाओगे। मैंने एक बार बताया था, आज फिर बताता हूं। लॉकडाउन का समय, भारतीय खिलाड़ी, उसने सोचा कि अब क्या करें, लॉकडाउन लग गया है, ओलंपिक तो टल गए, तो जेवलिन थ्रो की उसने प्रैक्टिस चालू करी। गांव में, गांव का व्यक्ति गांव के बाहर वाली अटारी पर पहाड़ पर चला गया, वहां खड़े होकर के उसने दोस्त को ले गया, जेवलिन बनाए 8-10-15 पर यहां से वहां तक फेंका, और दोस्त से कहा कि वस्तु वहां से यहां उठा के ले आ। दोस्त ने 2-3 दिन दुख किया, बोले बस यही काम रह गया है क्या, मैं तो रील्स देखूंगा टिकटॉक। फिर वो समझ गया कि किस्मत कुछ और चाहती है, अकेले मेहनत करो, तो उसने यहां से वहां तक भाला फेंका और वहां से यहां तक वापस फेंका, और यही करते करते उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि लॉकडाउन कोरोना का खुला और फर्स्ट ओलंपिक हुआ, वो गोल्ड मेडल लेके आया उसने। जब लोग सो रहे थे, खा रहे थे, यहाँ वहाँ की न्यूज़ देख रहे थे, उसने अपने आप का व्यू बनाया, उसने कड़ी मेहनत से अपने आप को जोड़ा। अगर किस्मत तेज होती तो बड़े बाप क्या पैदा होता ना, वो उसने अपनी किस्मत बनाई है। आप भी अपनी किस्मत बनाना सीखे ना, क्यों ना हार्ड वर्क से नाता जोड़ा जाए, और पुण्य की तो बात ही नहीं है। फिर जितना आप मन को शांत रखेंगे, जितना आप मन को अच्छा रखेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, उतना आपका पुण्य बढ़ेगा, और जितना आप दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे, आपका पुण्य उतना घटेगा। किस्मत, मेहनत, ये दोनों आपकी दासी बन जाएंगी जिस दिन, उस दिन सिर्फ आप और आप ऊंचाइयों में रहोगे। लेकिन इतना ये भी ध्यान रखना कि ऊंचाइयाँ कितनी ही मिल जाएं, नीचाइयाँ कितनी ही मिल जाएं, नथिंग इज परमानेंट। जिनको ऊंचाइयाँ मिली हैं वो भी जिनको ऊंचाइयाँ मिली हैं वो भी समाप्त हुए हैं, और जिनको नीचाइयाँ मिली हैं वो नीचाइयाँ भी समाप्त हुई, ये दिन भी निकल जाएंगे। जब ये सब चलेगा तो दुखी मत होना। रावण को अपनी गलती पता थी, जल्दबाजी का निर्णय था, जल्दी का निर्णय नहीं था। जल्दी में निर्णय राम ने लिया था कि सीता को लाना है, क्योंकि अगर राम जल्दी में निर्णय नहीं लेते तो सीता तो उपवास करके चली जाती। राम ने जल्दी निर्णय लिया और रावण ने जल्दबाजी। जब भी आप जल्दबाजी में निर्णय लें तो समझ लेना कि रावण हैं, निपटने वाले हैं, और जब आप जल्दी निर्णय लें इसका मतलब आप राम हैं। आगे श्री भी जुड़ेगा, पीछे जी भी जुड़ेगा। तो ये आज की नीति अपने जीवन में उतार के रखना, ऊंचाइयाँ और नीचाइयाँ कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये सब आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की।